दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में छपी खबर डॉक्टर्स वैरी ऑफ बीसीजी वैक्सीन स्टडी और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर डज बीसीजी प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोना वायरस न्यू डिबेट ओवर ओल्ड वैक्सीन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। बीसीजी भारत में टीकाकरण। कोरोना वायरस से पैदा हुई महामारी ने भारत सहित कई देशों के लिए आपदा का रूप धारण कर लिया है। अब तक दुनिया भर में करीब 1,00,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को और भी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि विश्व भर के वैज्ञानिक इस महामारी को मात देने के लिए दवा की खोज में लगे हैं, लेकिन इसमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। पर इस बीमारी के इलाज से जुड़ी एक दिलचस्प बात सामने आ रही है और जानकारों का मानना है कि यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्ययनकर्ताओं ने दावा किया है कि बीसीजी वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित हो सकती है। उनके मुताबिक 100 साल पुरानी बीसीजी वैक्सीन कोविड-19 बीमारी से लड़ने में सक्षम है। दरअसल यह दावा दुनिया भर से मिल रही जानकारी के आधार पर किया जा रहा है। उनके मुताबिक जिन देशों में लोगों को यह टीका लगाया जा चुका है वहां कोरोना के कारण मृत्यु दर बाकी देशों के मुकाबले 6 गुना कम है। दिलचस्प बात यह है कि भारत को भी इस वैक्सीन का फायदा होता दिख रहा है। भारत में कोरोना के तेजी से न फैलने के पीछे इसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। ऐसे में भारतीय विशेषज्ञों ने भी इस मामले में अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। सवाल है कि क्या बीसीजी वैक्सीन और कोविड-19 में कोई सीधा संबंध है। यह सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि बीसीजी जिस टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है वह एक जीवाणु जनित रोग है, जबकि कोविड-19 का कारक एक वायरस है। ऐसे में यह पड़ताल बेहद ज़रूरी है कि इस बीमारी के इलाज में बीसीजी कितना सार्थक होने वाला है। अगर वैज्ञानिकों का दावा सही साबित होता है तो भारत के लिए बीसीजी किसी वरदान से कम साबित नहीं होने वाला। आइए सबसे पहले पूरे मामले पर एक नज़र डालते हैं। तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया ने चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन कोविड-19 की वैक्सीन ढूंढने में अभी तक इसे कामयाबी नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिक अत्याधुनिक प्रयोगों के बीच भी 100 साल पीछे जाने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल दुनिया भर में कोविड-19 से पीड़ितों और मरने वालों के एक पैटर्न का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से यह बात निकलकर सामने आई है कि जिन देशों में बीसीजी का टीकाकरण उसके राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा रहा है वहां कोविड-19 पीड़ितों की मृत्यु दर कम है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन देशों में कोविड-19 के प्रति इम्यूनिटी ज़्यादा दिख रही है जहां बीसीजी टीका लगाने का प्रचलन रहा है। बीसीजी वैक्सीन को एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है, जिसमें तपेदिक यानी टीबी के संक्रमण को रोकने के अलावा अन्य सुरक्षात्मक गुण भी हैं। क्योंकि कोविड-19 को बुजुर्गों के लिए घातक माना जा रहा है, लिहाजा ऐसे देशों के बुजुर्गों को कोरोना वायरस के खिलाफ संरक्षित माना जा रहा है जिन्होंने बचपन में बीसीजी का टीका लिया था। कई वर्षों के अध्ययन से यह भी पता चला है कि बीसीजी ने कुष्ठ और नॉन इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर के खिलाफ भी लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत किया है। कोविड-19 और बीसीजी में किसी संबंध की पड़ताल के लिए एक अध्ययन किया गया। अध्ययन के लिए 55 मध्यम और उच्च आय वाले देशों को विश्लेषण के लिए चुना गया। अध्ययन में पाया गया कि जिन देशों में यूनिवर्सल बीसीजी पॉलिसी रही है वहां प्रति 10,00,000 लोगों में 0.78 मौतें हुई हैं, जबकि वे देश जिनके पास यह नीति कभी नहीं रही वहां प्रति 10,00,000 में 16.39 लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि निम्न और मध्यम आय वाले उन देशों को इस अध्ययन से बाहर रखा गया है जहां भले ही यूनिवर्सल बीसीजी पॉलिसी रही हो, लेकिन इन देशों में कोविड-19 संक्रमण के लिए परीक्षण दर कम है। यही कारण है कि भारत में यूनिवर्सल बीसीजी पॉलिसी होने के बावजूद इसे अध्ययन में शामिल नहीं किया गया, जबकि यहाँ कम मौतें रिपोर्ट हुई हैं। इसका कारण है कि विशेषज्ञों ने भारत में अपेक्षाकृत कम परीक्षण दर की बात कही है। गौर करें तो भारत में जनवरी के आखिरी हफ्ते में पहला मामला आया और भारत आबादी के मामले में दूसरा बड़ा देश है, लेकिन उन देशों में कोविड-19 के संक्रमण की तीव्रता ज्यादा दिख रही है जहां भारत के बाद मामले आए हैं और भारत के बरक्स आबादी भी कम है। फरवरी के तीसरे हफ्ते में इटली में पहला मामला सामने आया था और वहां अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 31 जनवरी को स्पेन में पहला मामला आया और वहां अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन भारत में अब तक 300 के आसपास मौतें हुई हैं।
ब्रिटेन में भी मृत्यु की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ठीक होने वालों की संख्या बहुत कम है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि ब्रिटेन में 1953 से 2005 के बीच व्यापक अभियान चलाकर 10 से 14 साल के सभी स्कूली बच्चों को BCG का टीका लगाया गया था, लेकिन जब देश में TB का संक्रमण दर कम हुआ तो अधिकतर डॉक्टरों ने इस टीकाकरण अभियान को बंद कर दिया। इससे कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण आज ब्रिटेन में अधिकतर लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन भारत में आज़ादी के समय से ही बच्चों को BCG का टीका लगाने का प्रचलन है और यहाँ बड़े पैमाने पर नवजातों को आज भी BCG का टीका लगाया जाता है। यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञ भारत को BCG का लाभ पाने वाले देश के रूप में देख रहे हैं। दूसरी ओर ईरान में भी लगभग 3000 मौतें हुई हैं और यहाँ BCG टीकाकरण नीति 1984 में लागू की गई। अध्ययन के मुताबिक यहाँ 36 साल से अधिक उम्र वाला व्यक्ति कोरोना के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल है। इसी तरह जापान में जब 1655 मामले आए थे तब 65 मौतें हुई थी। इस कम मृत्यु दर की वजह भी वहाँ 1947 से चला आ रहा BCG टीकाकरण अभियान को बताया जा रहा है। जबकि स्पेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और नीदरलैंड में यूनिवर्सल BCG पॉलिसी नहीं रही है और यही वजह है कि इन देशों में COVID-19 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। लिहाजा BCG और कोरोना के बीच संबंध को समझने के लिए कई देशों ने क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। इन देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल है। हालांकि यह भी सच है कि अंतिम निष्कर्ष के लिए विस्तृत अध्ययन की बात कही गई है। दरअसल TB और COVID-19 दो अलग तरह के रोग हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, TB बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और COVID-19 वायरस से जुड़ा रोग है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि BCG इंसान में कुछ ऐसे इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ा देता है जिसकी ज़रूरत कभी TB के रोग में नहीं पड़ी। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि BCG से बढ़ी हुई इम्यूनिटी कोरोना जैसे वायरस से लड़ने में मददगार साबित हो रही है। अब आइए भारत में BCG वैक्सीन के सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। दरअसल BCG यानी बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन का आविष्कार लगभग 100 साल पहले हुआ था। दो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों अल्बर्ट कैलमेट और कैमिल ग्यूरिन को इसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। उन्हीं के सम्मान में इस वैक्सीन को बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन कहा जाता है। BCG वैक्सीन का उपयोग पहली बार मनुष्यों में 1921 में पेरिस में एक बच्चे के ऊपर किया गया था। अब तक दुनिया की लगभग 3 अरब से अधिक आबादी को यह वैक्सीन दी जा चुकी है। भारत की बात करें तो मई 1948 में भारत सरकार ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया कि TB ने देश में महामारी का रूप धारण कर लिया है और सावधानीपूर्वक विचार के बाद रोग को नियंत्रित करने के लिए सीमित पैमाने पर BCG टीकाकरण शुरू करने का फैसला लिया गया। उसी साल तमिलनाडु के किंग इंस्टीट्यूट में BCG वैक्सीन प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। अगस्त 1948 में भारत में पहला BCG टीकाकरण किया गया था। भारत में इस वैक्सीन को 1948 में ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। 1955-56 तक व्यापक पैमाने पर इस अभियान को पूरे देश में चलाया गया। भारत में 1978 में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और तब से BCG इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हुआ है। भारत में यह कार्यक्रम यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाने लगा। आइए अब बात करते हैं यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम क्या है। टीकाकरण एक प्रक्रिया है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में व्यक्ति के अंदर प्रतिरक्षित या संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता को विकसित किया जाता है। बच्चों को जानलेवा रोगों से बचाना इस अभियान का मुख्य मकसद है। इससे दूसरे व्यक्तियों में रोग के प्रसार को कम करने में भी मदद मिलती है। टीका व्यक्ति के शरीर को संक्रमण या बीमारी से बचाने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सबसे पहले 1978 में भारत में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम नाम से एक अभियान की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। फिर 1985 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया। इसका मकसद 1989-90 तक देश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण अभियान को लागू करना था। यह दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक था। इस कार्यक्रम के तहत गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन का उपयोग करना, ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करना, भौगोलिक प्रसार एवं क्षेत्रीय विविधता को कवर करने जैसे पक्षों को शामिल किया गया। भारत सरकार इसके तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए कई वैक्सीन मुहैया कराती है। BCG भी इनमें से एक है। जैसा कि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, BCG TB रोग से बचाव के लिए दिया जाता है।
इसे 1978 में ही विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। यह टीका नवजात शिशुओं को दिया जाता है या फिर 1 साल की उम्र तक के बच्चों को। BCG के साथ 1978 में OPV, DPT और टाइफाइड पैराटाइफाइड वैक्सीन्स भी लॉन्च की गईं। OPV का पूरा नाम ओरल पोलियो वैक्सीन है। आसान भाषा में कहें तो पोलियो से बचाव के लिए यह वैक्सीन ड्रॉप के रूप में शिशु के मुंह में डाली जाती है। सबसे पहले इसे जन्म के समय ही दिया जाता है, जिसे 0 डोज कहा जाता है। फिर 6, 10 और 14 हफ्तों के अंतराल पर दिया जाता है। 16 से 24 महीने की उम्र में बूस्टर डोज के रूप में भी यह वैक्सीन दी जाती है। DPT एक कंबाइंड वैक्सीन है। यह वैक्सीन डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस 3 रोगों से बच्चों को बचाती है। 16 से 24 महीने की उम्र में DPT के पहले डोज को पहला बूस्टर कहा जाता है, जबकि दूसरा बूस्टर 5 से 6 साल की उम्र में दिया जाता है। टाइफाइड पैराटाइफाइड वैक्सीन टाइफाइड से बचाव के लिए दी जाती थी। 1978 में इसे शामिल जरूर किया गया, लेकिन 1981 में टीकाकरण अभियान से इसे बाहर कर दिया गया। इसकी वजह थी कि यह वैक्सीन सिर्फ बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध थी, लिहाजा इसकी कवरेज बहुत सीमित थी। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 12 वैक्सीन निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इनमें 9 राष्ट्रीय स्तर पर दी जाती हैं, जैसे डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रुबेला, बचपन के TB का गंभीर रूप, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस एवं हेमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाला निमोनिया। 3 ऐसी भी वैक्सीन हैं जो उपराष्ट्रीय स्तर पर दी जा रही हैं। इनसे जुड़ी बीमारियां हैं रोटावायरस दस्त, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस। इनमें से रोटावायरस वैक्सीन और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन विस्तार की प्रक्रिया में है, जबकि जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन केवल उन जिलों में मुहैया कराई जा रही है जहां इसका प्रकोप ज़्यादा है। रोटावायरस एक प्रकार का संक्रमण है जो अतिसार का बिगड़ा हुआ रूप होता है और ठंड में अधिकतर बच्चों में फैलता है। इससे बचाव के लिए रोटावायरस वैक्सीन दी जाती है। रोटावायरस से होने वाला यह संक्रमण नवजात शिशु से लेकर 5 साल तक के बच्चों में अधिक होता है। 3 डोजेज 6, 10 और 14 हफ्तों के अंतराल पर दिए जाते हैं। इस वैक्सीन को 2017 में टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया। रूबेला को जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी रूबेला वायरस के कारण होती है। यह संक्रमित व्यक्ति की नाक और ग्रसनी यानी फेरिंक्स से स्राव की बूंदों से या फिर सीधे रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलता है। रूबेला विकसित हो रहे भ्रूण में विसंगतियां भी पैदा कर सकता है। इसके लिए MR वैक्सीन को 2017 में लॉन्च किया गया। 9 से 12 माह की उम्र में पहला और 16 से 24 माह की उम्र में दूसरा डोज दिया जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस की बात करें तो यह 15 साल से कम उम्र के बच्चों में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला प्राणघातक वायरल रोग है। यह रोग जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस के कारण होता है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली वयस्कों की तुलना में काफ़ी कमजोर होती है। हालिया वर्षों में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित अस्पताल में सैकड़ों बच्चों के मरने से यह रोग खासा चर्चा में रहा। इसमें भी 9 से 12 माह की उम्र में पहला और 16 से 24 माह की उम्र में दूसरा डोज दिया जाता है। 2013 में इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया था। कुल मिलाकर बात करें तो बच्चों और महिलाओं को रोगमुक्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। फिर सवाल है कि आगे की राह क्या हो। दरअसल यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम का मकसद एक बड़ी आबादी की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना था। कई बीमारियों से मुक्ति के मकसद में हम काफ़ी हद तक कामयाब होते भी दिख रहे हैं। इसी कार्यक्रम का नतीजा है कि 2014 में पोलियो उन्मूलन और 2015 में मातृ व नवजात टेटनस उन्मूलन भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसे सरकार की प्रतिबद्धता ही कही जाएगी कि पहले से ही राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रहते हुए भी दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया जो टीकाकरण से वंचित हैं या जिन्हें आंशिक रूप से टीका लगाया गया है। इस अभियान में उन जिलों पर अधिक ध्यान दिया गया है जहां बच्चों को किसी न किसी वजह से टीकाकरण का फायदा नहीं मिल सका। कुल 6 चरणों में 554 जिलों को इस मिशन के तहत कवर किया गया। फिर 2017 में भारत सरकार ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष यानी सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना था जो किसी कारण से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं हो पाए।
फिर सरकार ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 को भी लॉन्च किया। इन पहलों का उद्देश्य भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होने वाली मौतों में कमी लाकर 2030 तक रोकने योग्य बाल मृत्यु यानी प्रिवेंटेबल चाइल्ड डेथ को खत्म कर सतत विकास लक्ष्य को हासिल करना है। एक राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची तैयार की गई जिसके अनुसार किसी बच्चे को 1 साल की उम्र के भीतर सभी वैक्सीन लगा दी जाती हैं तो उसे पूरी तरह से प्रतिरक्षित समझा जाता है, लेकिन चिंता का विषय यह भी है कि भारत में टीकाकरण की गति धीमी है। WHO और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 2017 में दुनिया भर में 19.9 मिलियन शिशुओं को DPT की नियमित खुराक नहीं दी गई। इसमें शीर्ष के 10 बड़े देशों की सूची में एक भारत भी है। जिस तरह से COVID-19 के लिए BCG को गेम चेंजर समझा जा रहा है, उससे एक बात यह समझ में आ रही है कि भविष्य की तैयारी के लिए भारत सरकार को टीकाकरण के प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो किसी भी देश के मुकाबले महामारियों के खिलाफ हमारी तैयारी बेहतरीन साबित हो सकती है। लिहाजा सरकार को टीकाकरण कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम अधिक से अधिक आबादी को जानलेवा रोगों के प्रति प्रतिरक्षित कर सकें। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, COVID-19 के लिए BCG टीके को गेम चेंजर समझा जा रहा है, इस पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि भारत में टीकाकरण कार्यक्रमों के क्या महत्व हैं। रोगमुक्त भारत की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों की भी चर्चा कीजिए।